नमस्कार दोस्तों बिजनेस इनसाइट की एक और खास और अमेजिंग पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हाजिर हूं दोस्तों क्या कभी आपने किसी को फोन किया और उन्होंने आपसे कहा है कि मैं अभी बहुत बिजी हूं तुमसे बाद में बात करता हूं यानी मैं बहुत काम कर रहा हूं तो आपने उस इंसान के बारे में अपनी क्या इमेज बनाई होगी यानी उसकी क्या इमेज क्रिएट हुई होगी आपके सामने या तो वो बहुत रूड है या आपसे बात नहीं करना चाहता उसके पास वक्त नहीं है या फिर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं होगा लेकिन आज हम आपसे कहते हैं डोंट बी बिजी बी प्रोडक्टिव इसका मतलब यह है कि भाई बिजी रहना छोड़िए बिजी कहलवाना छोड़िए और जरा प्रोडक्टिव बनी है कुछ प्रोडक्टिव काम कीजिए आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हम इंस्पायर करेगी वो पर्सनैलिटी वो शख्सियत जिनकी पॉजिटिव सोच पॉजिटिव थाट्स और थिंकिंग के बिना इस शो यानी बिजनेस इंसाइड को आगे बढ़ाना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है जिनकी सोच से हम हमेशा इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ नया जरूर सीखना चाहते हैं और वो हमारे अंदर इंटरनली आ भी जाता है वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो कुछ

या वो इसलिए काम दिखाना चाहता है कि मैं काम कर रहा हूं क्योंकि वो इनएफिशिएंट है जल्दी काम नहीं कर सकता वो exactly. तो वो दिखाता है मैं बिजी हूं मैं तो कर ही रहा हूं <laughs> मैं तो काम में लगा हुआ hmm. तो या उसकी जो भी जो भी वो जिस काम को कर रहा है उस काम को बहुत ज्यादा समय ले रहा है मान लीजिए दो घंटे के काम को आप बारह घंटे लेंगे hmm. और लगातार बोलेंगे जी देखो आज तो मैंने दस घंटे काम किया है तो प्रोडक्टिव होने का मतलब क्रिएटिव होना है प्रोडक्टिव मतलब आप कोई भी काम शुरू करें उसे अपने आप करें मतलब कि आपको यह नहीं सोचना कि क्योंकि मुझे कोई सुपरवाइज कर रहा है exactly. क्योंकि मेरे को अपने सुपरवाइजर को जवाब देना है हुँ. या मेरे को अपने बॉस को जवाब देना है हुँ. या जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं वो कंपनी मेरे से पूछेगी मैं इसलिए काम करूं हुँ. लेकिन इसलिए काम करना है आपने जिससे कि वो प्रोडक्टिव बने और आपका आपका जो इस धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो कि आप जब एक ह्यूमन बीइंग का आपने जन्म लिया है तो आप कुछ ऐसा काम करें जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं आप उसमें कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करें जो सबके फायदेमंद के लिए हो और आप सिर्फ इसलिए काम ना करें या इसलिए आपने आपको बिजी मत दिखाएं कि कोई आपको सुपरवाइज कर रहा है और मुझे वो काम करना ही है क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूं तो कुछ नया करें जो प्रोडक्टिव हो जी। मतलब कि कुछ ऐसा शुरू करें जो खत्म हो कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका काम खत्म होकर दूसरे के पास जाए उसको आगे चले मतलब इस तरह से चेन बननी चाहिए जिससे कि आपका काम खत्म हो दूसरे का शुरू हो दूसरे का खत्म हो इसका शुरू हो जिससे कि एक प्रोडक्टिविटी सामने आए और देश को भी फायदा हो उसका और समाज को भी फायदा हो और उनको अपने आप को भी फायदा हो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करती सर ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है कि प्रोडक्टिव पीपल भी बिजी होते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं है कि मैं बिजी हूँ कितना मानते हैं आप देखिए जो प्रोडक्टिव होगा वो बिजी तो होगा लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी तय करना जानते हैं एक्जैक्ट उन्हें पता होता है कि मेरे को कौन सा काम प्रायोरिटी वाला है और कौन सा काम दूसरी प्रायोरिटी वाला है और साथ में वो ये भी जानते हैं कि किस काम को मुझे नो कहना है कई बार जो बिजी व्यक्ति होता है वो क्या कर रहा होता है वो एक काम कर रहा होता है कोई और उसे दूसरा दूसरा काम काम देता देता है है वो कूद के उस पे भी शुरू कर देता है। दूसरा काम शुरू कर हो गया किसी तीसरे ने कुछ काम किया उस पर भी एकदम काम शुरू कर दिया और किसी और ने ऐसा काम कहा जो उसका काम ही नहीं है उसको भी उसने ले लिया चारों काम एक साथ शुरू करने शुरू मल्टीटास्किंग करने की कोशिश और तो वो बिजी भी हो गया और प्रोडक्टिव नहीं अब चारों में से कोई भी कंप्लीट नहीं होगा काम चारों शुरू हो जाएंगे कंप्लीट एक भी नहीं होगा बिजी दिखाई देगा बिजी दिखाई देगा गोल का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि वो चारों ही इनकम्प्लीट काम रह जाएंगे प्रोडक्टिविटी जीरो होगी और जो प्रोडक्टिव आदमी होता है वो प्रायोरिटी बनाता है अपनी पहले मैं इसको करूंगा फिर मैं इसको करूंगा और वो उस दिन भी तय कर लेता है कि मुझे आज कैसे काम करना है और क्या काम करना है कई बार आपने देखा होगा कि लोग ऐसे होते हैं कि जैसे सुबह खोले ऑफिस आए उन्होंने अपनी मेल खोली तो बस मेल ड्रिवन डे हो जाता है उनका जी। तो ऐसे लोग होते हैं वो बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते प्रोडक्टिव होने के लिए आपको ये तय करना है कि क्या काम करना है अपना गोल सेट करने है और वो गोल जैसे कि हम सेट करते हैं कि मेरा पांच साल में गोल क्या होगा तीन साल में क्या होगा साल भर में क्या होगा एक पूरा कैलेंडर बनाना पड़ता है तो डे का गोल भी होता है और हम उसको दो भाग में भी डिवाइड कर देते हैं कि आज के दिन आधे दिन में ये काम जरूर कर लूंगा और बाद के आधे दिन ये काम जरूर कर लूंगा तो मतलब वो जो गोल तय करते हैं वो टाइम बाउंड होता है वो डे से शुरू करते हैं ना कि हम ये सोचे काम साल भर में कर लेंगे अभी तो साल में बहुत दिन पड़े हैं तो काम दो महीने है, एक महीने बाद शुरू करता हूं तो डेली के डेली आपको गोल बनाने पड़ेंगे अगर आपको प्रोडक्टिव होना है क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिव होंगे तो ही काम के हैं देश के लिए भी समाज के लिए भी और कंपनी के लिए भी और आप अपने आप के लिए भी बिल्कुल सही कहा आपने बहुत अच्छी बात कही अच्छा हम कई बार ही देखते हैं कि जो प्रोडक्टिव लोग भी होते हैं वो जैसे आपने कहा कि शेड्यूल तो बना लेते हैं कि आधे दिन में ये करना है आधे दिन में वो करना है पर कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं जैसे कई बार ही होता है इतने प्रोडक्टिव होने के कारण हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस आ जाता है कि हम वो काम कंप्लीट नहीं कर पाते इसको आप कितना सही मानते हैं बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जब आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो आपको ज्यादा काम मिलता है बिल्कुल तो उसमें आपके पास स्ट्रेस आएगा ही आएगा लेकिन यदि आप प्लान ठीक करेंगे जब भी आपके पास कोई काम आता है उसे बजाय इसके कि आप सीधा उस पर कूद जाएं काम शुरू कर दें आप अगर पहले प्लान करेंगे उसको कि क्या काम है इसको मुझे कैसे काम को करना है कैसे एग्जीक्यूट होगा उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं और क्या मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी किस किस की लेनी पड़ेगी कैसे लेनी पड़ेगी अच्छा कब लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी एक के बाद दूसरे की कब लेनी पड़ेगी वो सब अगर आप प्लान करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने गोल को भी जल्दी पहुंचते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी अगर आप ये सब कुछ तय नहीं करते कुछ प्लान नहीं करते

काम पे लगा दिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी कभी इंक्रीज़ हो ही नहीं सकती और आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते आपको काम के साथ साथ अपने किसी पैशन को अपने किसी शौक़ को उसको भी टाइम देना पड़ता है अगर आप उस जॉब के साथ साथ ऐसे टाइम मैनेज करते हैं कि अपने पैशन के लिए भी थोड़ा समय निकालें तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि आप अपना पैशन भी पूरा कर रहे होते हैं मतलब आप अपनी लाइफ को जी भी रहे होते हैं बिल्कुल खुश रहना भी तो जरूरी है खुश रहना जरूरी है तो उससे आपका स्ट्रेस खत्म होता है तो इसीलिए आप अपने पैशन को भी साथ साथ रखें अपने जॉब को भी साथ साथ रखें अपनी फैमिली को भी साथ साथ रखें जैसे ही आप तीनों चीजों में बैलेंस करेंगे तो आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे इसके साथ साथ एक रिस्क होता है कहीं ना कहीं जब आप प्रोडक्टिव होते हैं तो आपको रिस्क भी लेना पड़ता है कितना मानते हैं आप इस बात जरूर देखिए रिस्क तो लाइफ है आप कुछ भी काम करेंगे रिस्क है आप चलते हैं तो भी रिस्क है आप कुछ भी कर रहे हैं आप जी रहे हैं उसमें भी रिस्क है रिस्क जरूरी है लेकिन रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है और कितने तरह के रिस्क होते हैं उन सबको हमें देखना होता है कि किस रिस्क को

और वो सब कुछ भी काम ना करके उनकी जो तवज्जो है सारी की सारी मिसमैनेजमेंट और कैसे काम को रोकना है कैसे हर्डल पैदा करनी है कैसे स्ट्राइक करनी है कैसे और सब कुछ करना है तो वो सभी के लिए नुकसानदेह कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते अब से हर हाँ शनिवार सुबह दस बजे बिजनेस इन में मेरे कॉलेज में होने चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी गुड ट्रांसपोर्टेशन वाईफाई की सुविधा हो वर्चुअल लाइब्रेरी और ई e बुक्स किसी भी वक्त अवेलेबल हो जहाँ स्कॉलरशिप के साथ साथ स्किल मिले हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ एक सेफ्टी एनवायरमेंट ग्रेटर नोएडा कॉलेज ऑफ कॉमर्स वेलकम बैक टू बिजनेस इन साइड एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का बिजनेस इन साइड में बहुत बहुत स्वागत तो आज हम बात कर रहे हैं डोंट बी बिजी बी प्रोडक्टिव के बारे में किस तरह से आपको बिजी ना रहकर ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है इसके लिए बहुत सारे टिप्स आपको सुनील जी ऑलरेडी दे चुके हैं अभी और भी बहुत सारे टिप्स देंगे पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ऑडियंस के बीच में पहुंच चुकी हूँ जहां पर हमारे सवाल जब आपका सिलसिला शुरू होगा लेकिन अभी हम आपको हमारे एक्सपर्ट सीए के एक बाइट सुनाने वाले हैं यानी उन्होंने क्या कहा है अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में वो आपको दिखा

और साइंस नहीं पढ़ा और बचपन से इच्छा थी पायलट बनने की मैं आ गया सी प्रोफेशन में तो अगर किसी को भी मैं जिक्र करूं कि मुझे पायलट बनना है तो वो एक हंसने वाली बात होती थी कि आपने कभी फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ा और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप कैसे पायलट बनोगे लेकिन हमने मैंने कोशिश करी और मैं अभी पायलट कोर्स कर रहा हूँ मैं फ्लाइंग करता हूँ तो ड्रीम के ऊपर एक्शन किया इिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आर्ट्स थे उसको मीट आउट करके

मेरा आपसे यह सवाल है कि मैं एक स्मॉल इंटरप्रोनर हूँ मैं यह जानना चाहता हूँ कि अपने स्टाफ की प्रोडक्टिविटी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी आप कोई आप कोई भी व्यवसाय करते हैं जो आपके ऑफिस है या जो आपके एम्प्लॉई हैं उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर रहे तो मैं बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बिल्कुल फैमिली की तरह वहाँ एटमोसफेयर बनाएं जैसे आपकी अपनी फैमिली में बनाते हैं ऐसी ऑफिस भी एक फैमिली होता है उसमें आपका एटमोसफेयर ऐसे रहना चाहिए जैसे फैमिली में होता है दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने हमेशा अपने एम्प्लॉयी को समझना है कि वो भी एक इंसान है और वो आपके लिए काम कर रहे हैं तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं और हमारा देश और समाज आगे बढ़ रहा है इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है तीसरी बात आपने ख्याल रखनी है कि जो भी आपके इम्प्लॉयी हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको आपने अपने गोल के बारे में बिल्कुल क्लियर कट विज़न देना है कि आपका गोल क्या है जिससे एम्प्लॉयी को भी पता हो कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं जिससे वो पूरी मेहनत कर सकें उस काम को करने में चौथी बात आपको यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी सारी क्वेरीज का आंसर जरूर दें जब भी वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या उनके दिमाग पर कोई भी क्वेश्चन आता है या जो भी स्वाभाविक क्वेश्चन उनके आते हैं उनका जवाब आप जरूर दें एक और बात मैं बताना चाहूंगा इसको पांचवी कि आप अपने पूरे के पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक किसी इंप्लॉय को कुछ ज़्यादा तवज्जो दें और कुछ इंप्लॉयी को कुछ कम दें कुछ को कुछ ज़्यादा दें कुछ कुछ को कुछ ज़्यादा इंसेंटिव दें कुछ को कुछ कम दें कुछ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटी से छोटी जो भी आपके अचीवमेंट होती हैं आपके इम्प्लॉयज़ की आपकी कंपनी की आपकी अपनी आपके प्रोडक्ट की आपकी सर्विस की उसे सेलिब्रेट जरूर करें सबके साथ मिलके और कभी कभी छोटे मोटे इंसेंटिव जो हम पूरी टीम को देते हैं या जो हम पहले से डिक्लेयर कर देते हैं कि इम्प्लॉय ऑफ द ईयर को ये मिलेगा टीम को ये मिलेगा वो ज़रूर ध्यान रखें अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और एक आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनको ट्रेनिंग जरूर दें और ट्रेनिंग बार बार दें क्योंकि ट्रेनिंग आप दें इसका मतलब नहीं एक बार दी खत्म होगी ट्रेनिंग दें फिर ट्रेनिंग दें फिर ट्रेनिंग दें, बार बार ट्रेनिंग दें। अगर आप ऐसे ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि इंप्लॉय मन लगा के काम करेंगे आपका भी बिजनेस आगे चलेगा और देश भी आगे बढ़ेगा बिल्कुल सही कहा सर आपने और यहां पे मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। ये करना चाहती चाहती वो ये कि जिस तरह से आपने सारी बातें बताई एक बॉस का अपने एम्प्लॉय के लिए रोल मॉडल होना कितना जरूरी है आप तो श्योर होंगे अपने के लिए मैं सोचता हूं कि बहुत जरूरी है अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो, तो बहुत ही जरूरी है अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तब थोड़ी अलग बात हो जाती है क्योंकि उस केस में अलग भी बात हो सकती है क्योंकि प्रोडक्ट बनाने वाले क्रिएटर अलग होते हैं और प्रोड्यूस करने वाले अलग होते हैं लेकिन आप सर्विस इंडस्ट्री में तो रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अभी और कौन पूछना चाहेंगे सवाल जी बताइए मैं एक स्टार्टअप इंटरप्र हूँ और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक व्यवसाय कितने टाइम तक इंटरप्र की कैटेगरी में काउंट होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि पांच साल तक आप स्टार्टअप की कैटेगरी में रहते हैं या अगर आपके बीच में टर्न 25 करोड़ को क्रॉस कर देती है तब आप स्टार्टअप की कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं अगर आप पच्चीस करोड़ पार करते हैं या पांच साल हो जाते हैं तो आपको डी को इन्फॉर्म करना पड़ता है किस दिन के अंदर बताना पड़ता है कि यह कंडीशन पूरी हो गई है तो आप तभी तक स्टार्टअप रह पाएंगे जब तक तो ये दोनों कंडीशन आपकी पूरी ना हो अच्छा यहाँ पे और भी एक शख्स है जो आपसे सवाल करना चाहते हैं जी बताइए सर मैं ये जानना चाहता हूँ स्टाफ की ट्रेनिंग कितनी जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसा कि मैं बता रहा था स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है और लगातार ट्रेनिंग ज़रूरी है मैं इसे बोलता हूँ कि ट्रेन ट्रेन एंड री आप उन्हें लगातार ट्रेनिंग दें तो अगर आप मान लीजिए ट्रेनिंग स्टाफ को नहीं देंगे तो उसके बहुत नुकसान है आपको जैसे कि अगर आपका स्टाफ ट्रेन नहीं होगा तो वो खुश नहीं होगा मतलब आपके अनहैप्पी जो आपके लोग होंगे वो अनहैप्पी होंगे एम्प्लॉई अनहैप्पी होंगे अगर वो अनहैप्पी होंगे तो आपका कस्टमर आपको उम्मीद होगी आप ये हमेशा आशंका रहेगी कि आपका कस्टमर लूज़ हो सकता है अगर आपका स्टाफ ट्रेन नहीं होगा तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी अगर स्टाफ आपका ट्रेन नहीं होगा उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी अगर स्टाफ आपका ट्रेन नहीं होगा तो आप जितने लोगों को सामान बेचते हैं वो लोग घटते जाएंगे कस्टमर आपके घटते जाएंगे अगर आपका स्टाफ ट्रेन नहीं होगा तो उसमें सब में स्ट्रेस होगा और वो सब कुछ भी काम ना करके उनकी जो तवज्जो है सारी की सारी मिसमैनेजमेंट और कैसे काम को रोकना है कैसे हर्डल पैदा करनी है कैसे स्ट्राइक करनी है कैसे और सब कुछ करना है तो वो सभी के लिए नुकसानदेह है अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेन नहीं है तो वो आपके लिए भी खतरनाक है आपके बिजनेस के लिए भी खतरनाक है एम्प्लॉय के लिए भी खतरनाक है कस्टमर के लिए भी खतरनाक है समाज के लिए भी खतरनाक है चलिए बड़ी अच्छी बात सर आपने यहाँ पर क्या है नम श्योर की सभी जितने भी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है और जो हमारे दर्शक शो को देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इससे पहले कि मैं कोई और सवाल आपसे करूं और यहां पर एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है बढ़ रहे एक ब्रेक की तरफ जल्द लौटेंगे आप कहीं मत चाहिए आप सबसे पहले खुद अपने आप में मंथन करें और फिर डिसाइड करें कि मैं प्रोडक्टिव कैसे बनूं और आप जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं उनको नो कहना सीखें कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते अब से हर हाँ शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इन में मेरे कॉलेज में होने चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी गुड ट्रांसपोर्टेशन वाईफाई की सुविधा हो वर्चुअल लाइब्रेरी और ई बुक्स किसी भी वक्त अवेलेबल हो जहाँ स्कॉलरशिप के साथ साथ, साथ स्किल मिले हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ एक सेफ्टी एनवायरमेंट ग्रेटर नोएडा कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारी ख़ास पेशकश बिज़नेस इनसाइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ये शो अच्छा इसलिए बनता है क्योंकि आपका प्यार और भरोसा इस शो को मिला है इतनी सारी ऑडियंस हमारे साथ हमेशा मौजूद होती है और इतने सारे व्यूअर्स जो हमारे शो को देखते हैं वो बिज़नेस इन में दिए गए टिप्स जो सुनील कुमार गुप्ता जी उन्हें बताते हैं उनसे इंस्पायर होकर अपना खुद का नया व्यापार करते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर हमें वो कहकर भेजते हैं या अपने एक्सपीरियंसेज हमारे साथ शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है एक बार उन सबके लिए ज़ोरदार तालियां अच्छा इसी के साथ जो मेल्स हमें आए हैं उन मेल्स में से एक हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है सर वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी अमरदीप है जलंधर से मेल किया इन्होंने और अभी अभी स्मॉल बिजनेस की शुरुआत की है हाल फिलहाल इन्होंने जानना चाहते हैं कि बिजनेस को मैनेज कैसे करें इसमें इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस को मैनेज कैसे करें उसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस के वो मैनेज करना पड़ेगा जैसे सबसे पहले बिजनेस प्लान जो आपका है वो आपको मैनेज करना है कि जो आपने बिजनेस प्लान बनाया था आप स्ट्रिक्ट उसके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे दूसरा होता है फाइनेंस जो फाइनेंस आपने प्लानिंग की है कब आपको चाहिए कैसे चाहिए कहां से आएगा वो आपको मैनेज करना है कि जब जब जो जो प्लान आपने किया हुआ है वो आता रहे आपके पास हुँ. जो आपने अपना कंट्रीब्यूशन लगाना है वो कब लगाना है कैसे लगाना है उसके लिए जो प्लान किया हुआ है वो आपको आता रहे इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट कि कस्टमर कि जो आपके कस्टमर है उन्हें कैसे बढ़ाया जाए उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए उन्हें खुश कैसे रखा जाए और रिपीट कस्टमर कैसे आए जो एक बार कस्टमर बन जाए वो कैसे आपको मेंटेन करें उसको आफ्टर सेल सर्विस कैसे दें नया कस्टमर कैसे आप एक्वायर करें तो कस्टमर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस को चलाने के होता है। तो मुझे लगता है कि और इसके अलावा इंप्लॉय exactly. को आप मैनेज नहीं कर पाए और जैसे मैं बता रहा था इंप्लॉय को ट्रेनिंग नहीं दे पाए तो फिर आप कुछ भी कर लें आपका, आपका बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर किसी कोई भी मैनेजमेंट आप कर लें वो सब बेकार मैनेजमेंट होंगे बिल्कुल सही का तो मुझे लगता है कि अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और साथ में आपको ये भी मैनेज करना पड़ेगा कि जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं और जो भी आपके बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी चीजें हैं उन सब का मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं उनकी ए एमसी टाइम पे जा रही है कि नहीं जा रही उनकी ऐसा ना हो सब कुछ चल रहा हो और मशीनों के होने में या रिप्लेस होने में जो टाइम का गैप होता है जो टाइम का नुकसान होता है वो एक तरह से बहुत बड़ा सेल्स में गैप आ जाता है उस गैप को आने की वजह से कई बार कस्टमर आपसे चला जाता है दोबारा वापस नहीं आता तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट अच्छा यहाँ पे जानना चाहूंगी बिजनेस को मतलब आगे बढ़ाने के लिए मैनेज करने के लिए

बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है बहुत बढ़िया आपने कहा यहाँ पर और इसी के साथ जो ऑडियंस इंतजार करिए अपने सवालों को लेकर वो भी बताएं कौन पूछेंगे अभी अपना सवाल जी मेरे ब्रदर ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर इनोवेशन प्रूफ के लिए पेटेंट सबमिट किया है सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या, क्या, क्या पेटेंट की कोई एज लिमिट होती है बिल्कुल होती है अगर आपने आपने स्टार्टअप कैटेगरी में आने के लिए जो पेटेंट अपना अपना पेटेंट जो पब्लिश कराया है उसके पाँच साल तक उसकी म्याद रहती है तो पांच साल वो जो आप पूछ रहे हैं पांच साल है वो इंपॉर्टेंट कि पांच साल तक आपको स्टार्टअप कैटेगरी में आप रहते हैं चलिए तो पांच साल तक स्टार्टअप कैटेगरी में रहते हैं तो जो एज है वो इंपॉर्टेंट होती है इसके साथ ही एक और भी शख्स हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाह रहे थे अभी मैं कुछ देर पहले जी जी मेरा सवाल यह है कि एक सफल इंटरप्रिन के लिए मैनेजमेंट स्किल्स कितना जरूरी है एक सफल इंटरप्रिन के लिए उसका इंटरप्रोनर होना इंपॉर्टेंट है अगर उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल भी है तो बहुत बढ़िया नहीं है तो हायर की जा सकती है तो अगर आप इंटरप्रनोर हैं मतलब आपने रिस्क लेने की क्षमता है क्योंकि अगर आप इंटरप्रनोरशिप देखें तो इंटरप्रोनरशिप या इंटरप्रोनोर आप देखें तो इंटरप्रोनोरशिप फन भी है इंटरप्रोनरशिप में रिस्क भी है अनप्रोडक्टिव भी है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंटरप्रोनोर को झेलने पड़ते हैं और इंटरप्रोनोर इंजॉय भी करता है मतलब इंटरप्रोनोर के लिए उसका इंटरप्राइज पैशन भी हो सकता है उसके लिए फ़न भी हो सकता है उसके लिए वो लेकिन अनप्रोडक्टिविली होता है कभी लॉस भी दे सकता है उसको तो इंटरप्रनोर के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो एक रिस्क लेने के उसके अंदर जज्बा होता है और वो सेल्फ स्टार्टर होता है सेल्फ मोटिवेटर होता है तो वो अपने आप चीज़ों को शुरू करता है अपने आप मोटिवेट होता है रिस्क लेने की क्षमता होती है अगर ये उसके अंदर क्वालिटी है वो इंटरप्रेनर है तो वो मैनेजमेंट स्किल को हायर कर सकता है चलिए तो बहुत जरूरी है आपका सेल्फ स्टार्टर होना अगर आप एक अच्छे बनना चाहते हैं और मैं तो कहूंगी प्रोडक्टिव पर्सन बनने के लिए भी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आपका सेल्फ स्टार्टर होना और मोटिवेटर होना खुद के लिए बहुत जरूरी होता है इसके साथ साथ एक और शख्स है जो आपसे सवाल करना चाहते हैं सर जी बताए इंटरप्रेनर मैनेजमेंट के अंदर किस किस तरह की रिस्क को मैनेज करना होता है देखिए जैसे की हम अभी चर्चा कर रहे थे कि रिस्क मैनेज करने के लिए आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ता है आपको जितने भी तरह के रिस्क होते हैं जो हम जिक्र कर रहे थे उन सबको मैनेज करना होता है सबको देखना पड़ेगा यदि हम उन सबको मैनेज ठीक करेंगे तो रिस्क नहीं होगा और अगर मान लो उनमें से कोई भी चीज छोड़ देंगे मान लीजिए इम्प्लॉय का मैनेजमेंट आपने ठीक नहीं किया तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया आपके लिए तो यदि मान लीजिए आपने कस्टमर को ठीक से मैनेज नहीं किया तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया कि आपके कस्टमर छूट सकते हैं तो ये दोनों मतलब वही बात है कि जो चीज आप प्लान ठीक से नहीं करेंगे जो ठीक से मैनेज नहीं करोगे वो आपका रिस्क हो गया जैसे हम कुछ रिस्क की सर पहले बात भी कर रहे थे इकोनॉमिक रिस्क जहां तक मैं जानती हूं बहुत बड़ा रिस्क होता है लेकिन हाँ उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इकोनॉमिक रिस्क है इसका मतलब जो आपने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि कहां से पैसे आएंगे आपका कैश फ्लो कैसे होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी की कॉस्टिंग कैसे होगी और उसमें आपको बेनिफिट कैसे होगा फायदा क्या होगा तो उसका वो रिस्क है एक बहुत बड़ा तो वो तो सबसे पहले आपको जो बिजनेस प्लान हम बोलते हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस प्लान बोलते हैं वो अगर आप ठीक बनाएंगे तो आपको इकोनॉमिक रिस्क नहीं होगा अगर वो ठीक नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कह श्योर कि जितने भी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है उन सबके सवाल हो गए होंगे वैसे हो सकता है कि एक आधा सवाल छूट भी गया हो वो अपने अगले एपिसोड में हम जरूर पूछ लेंगे पर यहाँ पर ये यह जानना चाहूंगी सर कि आपका एक अच्छा बिजनेस चलाने का या फिर प्रोडक्टिव होने का जिंदगी में क्या मंत्रा है देखिये मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रख रहे हैं कि जब आप मेहनत कर रहे हैं जैसे कि कई बार हम बचपन में देखते थे कि जब हम साइकिल चलाते थे तो वो चेन उतर जाती थी कई बार और फिर भी हम पैडल मारते रहते थे धगा धक वो साइकिल चलती नहीं थी ऐसी कई बार मेहनत होती है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन गोल हमारा ठीक नहीं होता और जो हम उसके नजदीक पहुंचना चाहते हैं और उसके नजदीक पहुंचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मशीनरी होती है वो हमारे पास होती ही नहीं सबसे इंपॉर्टेंट मशीनरी होती है आपका बिजनेस प्लान वो आपके पास है ही नहीं तो जब आप प्लान नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो इसीलिए जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपका व्यापार कहीं पहुंचेगा ही नहीं आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे और प्रोडक्टिव नहीं होंगे बिल्कुल सही कहा आपने अच्छा वैसे कमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं आज के लिए मैं कहूंगी बिजनेस मंत्र बहुत सारे हो सकते हैं पर एक ऐसा सिग्नेचर कमेंट जो हमें भुलाए ना भूले देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले खुद अपने आप में मंथन करें और फिर डिसाइड करें कि मैं प्रोडक्टिव कैसे बनू और आप जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं उनको no कहना सीखें। बहुत-बहुत no yes. so <laughs> शुक्रिया आपका और जितने भी इन्फॉर्म्ड ऑडियंस आज हमारे साथ रहे जिन्होंने हमसे सवाल किए जिन्होंने नहीं भी पूछ पाए, उनका भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू श्योर फ्रेंड्स sure कि आज के एपिसोड से आपको ये जरूर जानने का मौका मिला होगा कि अब से आपको बिजी नहीं रहना है लेकिन आपको प्रोडक्टिव बनना है यानी आपको मेहनत तो करनी है लेकिन स्मार्टली कैसे मेहनत करनी है वो आपको जानने को मिला होगा फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ अब तक के लिए इजाजत दीजिए नमस्कार